गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आज मैं बात करना चाहता हूँ और मेरे रिलेटेड एक बहुत बड़ा जो डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में वो भी मैं एड्रेस करूँगा, पर वो बाद में। पहले जो इशू है सबसे बड़ा वो ये, टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है या हार्डवर्क, टैलेंट या हार्डवर्क। मैं अपनी राय में बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करना चाहते हो, किस काम की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप ओलंपिक्स की बात करोगे तो हाँ, वहाँ पे हार्डवर्क के साथ जेनेटिक्स इनबॉर्न टैलेंट का भी एक रोल होता है, ओके। लेकिन अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ नॉर्मली, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम इन टू एजुकेशन, आई एम सिंपली यू कैन से आई एम एन एजुकेटर, तो एज एन एजुकेटर मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ जेनेटिक्स का उतना बड़ा कोई विशेष रोल नहीं होता। टैलेंट मतलब इट्स लाइक वेरी लेस, हार्डवर्क इज टू मच। तो टैलेंट मेरी नज़रों में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि टैलेंट ही सब कुछ है, इट्स ऑल अबाउट हार्डवर्क। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कोई चीज़ को, आप उसमें उतने अच्छे होते जाओगे। और एंड इट्स नॉट दैट कि एक ही चीज़ बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन ला रहे हैं, उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तब आप एकदम एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। लोगों को देखने में लगेगा ओ ये तो टैलेंट है, पर वो टैलेंट नहीं है सर, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्डवर्क है। मैं अपने बारे में बहुत बोलता हूँ और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे क्लास 8 में पहली बार मैंने ट्यूशंस देखे थे अपनी लाइफ में, पहली बार मैं घर से बाहर निकला, मैं साइंस के ट्यूशंस पढ़ने गया था एक टीचर के यहाँ पे, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। तो आप इमेजिन करो क्लास 8 में उम्र कितनी होती है, क्लास 8 में मेरी उम्र मुझे आई डोंट रिमेंबर, मैं 15 साल की उम्र मेरा बोर्ड हो गया था 10 का, तो बैक कैलकुलेट करके जो भी समझ रहे हो। तो तब से लेकर मेरा एक जो पैशन रहा है टीचिंग के प्रति कि यस आई एम मेड फॉर दिस, मैं उसी के बारे में दिन रात सोचते रहूं, काम करते रहूं। तो मेरी जो इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है उसका तो डेफिनेटली एक फल मुझे मिलेगा ही। और मैंने कोई सेम चीज़ प्रैक्टिस नहीं की, आई डिड लॉट ऑफ वेरिएशंस, आई इम्प्रोवाइज अपॉन अ लॉट। तो मेरे हिसाब से टैलेंट या हार्डवर्क में 99% हार्डवर्क का रोल है। हाँ, कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ 1% टैलेंट का भी होता है। टैलेंट मतलब होता है कि आप उस काम के लिए बने हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि यस 1% मेरी सक्सेस में मेरा टैलेंट का भी रोल है। आई बिलीव दैट आई वॉज मेड फॉर टीचिंग, मतलब भगवान ने अगर मेरे को भेजा तो पढ़ाने के लिए भेजा, एंड आई एम बेस्ट एट इट। तो मेरे हिसाब से आई हैव 1% टैलेंट बट 99% हार्डवर्क। अलग अलग लोगों में ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप कोई फिजिकल काम की बात करो, स्पोर्ट्स वगैरह की बात करो, तो वहाँ तो जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है, करेक्ट है ना। एक दूसरा इशू जो मैं अपने बारे में एड्रेस करना चाहता हूँ, ये कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है, सर आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाते हो। इनफैक्ट कैसे पढ़ाते से ज़्यादा उनका सवाल ये रहता है, आप होते कौन हो पढ़ाने वाले। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट अ क्वेश्चन कि हाउ डू यू डू इट इन एन एप्रिसिएशन मोड, नो, इट्स रादर एन एक्यूजेशन और अ कंप्लेंट कि हु गेव यू द राइट टू टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स, हाउ कैन यू टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ये इस तरह की बात है, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वगैरह की, और दूसरी तरफ एक इंसान अगर अपने मन का करना चाह रहा हो वो बहुत बढ़िया भी कर रहा है तो भी लोग उसको फ्रीडम देना नहीं चाहते, उसको स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं, उसको टाइपकास्ट करना चाहते हैं। इट्स सो मतलब यू नो एक बहुत ही अजीब फीलिंग आता है कि वाई आर पीपल ऑलवेज रेडी टू बकेट यू, दे वॉन्ट टू टाइपकास्ट यू कि अच्छा ये तो इस चीज़ के लिए, ये तो उस चीज़ के लिए, वो तो इस चीज़ के लिए। अरे CA के अंदर इंटर हो या फाइनल हो, जो लड़का या लड़की रैंक 1 लेके आता है, या और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो रैंक लाते हैं या पास होते हैं, क्या वो एक सब्जेक्ट का एग्जाम देके पास हुए हैं कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एग्जाम देके पास हुए हैं? मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एग्जाम देके पास हुए हैं ना यार। तो जब एक स्टूडेंट एक छोटे से समय के अंदर, साल भर के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे सकता है, सब में अच्छे नंबर ला सकता है, रैंक ला सकता है, तो मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो कितना समय मिल गया, मुझे तो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो क्यों मैं नहीं कर सकता? एक स्टूडेंट जो एक साल की तैयारी में 8 सब्जेक्ट देकर उसमें एकदम 80-90 मार्क्स लाकर रैंक ला सकता है, तो मुझे तो 10 साल का समय है, क्या 10 साल में भी मेरी वो एक्सपर्टाइज या कुवत नहीं है क्या कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकूं, पढ़ा सकूं? तो पहले तो आप इस बात को समझो, खाली एक लेबल लगा देना, टाइपकास्ट करना, बकेट करना, स्टीरियोटाइपिंग करना, दैट्स सो इजी, ओके। वो स्टीरियोटाइपिंग मत करो, सोच के देखो जरा कि व्हाई नॉट, इफ गॉड हैज गिवन यू द पोटेंशियल यू शुड ट्राई टू ऑलवेज मैक्सिमाइज इट। आपको अपने लेवल से और ऊपर जाना चाहिए। और मैं अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे लॉ ऑडिट, ये एक साथ जल्दी से हम लोगों को सुनने को मिल जाता है कि लॉ ऑडिट, लॉ ऑडिट, लोग फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं थियरी, ठीक है। कॉस्ट FM, ये भी आप देखोगे कि एक साथ आपको सुनने को मिल जाता है, ये लगभग चलता है, कई जगह पे अकाउंट्स FM भी होता है, ठीक है। लेकिन इन 2-3 रेंज के अलावा जरा सा भी कोई अगर हटे तो लोग तुरंत सोचने लग जाते हैं ये तो एक्स्ट्रा कर रहा है, ओ ही डजंट, मतलब ये ऐसा तो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये चालू हो जाता है लोगों का।
आपको सच बात बताऊं, इनफैक्ट लॉ ऑडिट भी साथ साथ नहीं चलते। लॉ ऑडिट भी जिन्हें अच्छा नहीं पढ़ाना, ठीक है, जिन्हें मेहनत नहीं करनी, वो तो लॉ ऑडिट भी साथ साथ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, देर आर सो मेनी टीचर्स यू मे हैव हर्ड ऑफ, या नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पढ़ाते हैं, ठीक है, या सिर्फ कॉस्ट पढ़ाते हैं, या सिर्फ एफएम पढ़ाते हैं, कॉस्ट एम नहीं पढ़ाते, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, जस्ट बिकॉज कि एक इंसान कोई एक ही सब्जेक्ट करना चाह रहा है तो दैट डजंट मेक हिम मोर पावरफुल और मोर एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट। मैं आज अगर मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे, एज आई हैव टोल्ड यू, टैलेंट इज 1%, हार्ड वर्क इज 99%। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जाता है। आप इंसान की ना एक क्वालिटी होती है, मैं अपने सामने अगर मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करूँ, मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक वो जिनको काम करना बेहद पसंद है, कर्मठ, ठीक है ना, कर्मठ, जिनको कर्म करना पसंद है। और एक वो जो मतलब अकर्मठ है, मतलब निकम्मे जिसको बोलते हैं ना सादी हिंदी में, निकम्मा, वैसा। जो लोग निकम्मे होते हैं ना, वो एक सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे तो गंदा ही पढ़ाएंगे। और जो कर्मठ व्यक्ति है वो मल्टीपल भी पढ़ाएगा ना तो भी वो अच्छा पढ़ाएगा हर एक सब्जेक्ट, बिकॉज उसको क्वालिटी से खुशी मिलती है। आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ टीचर जिसको हमेशा क्वालिटी और कवरेज से ही खुशी मिली, हमेशा। मतलब मैं कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ, मैं जब तक उसमें एकदम सुपर क्वालिटी नहीं पढ़ाऊँ मेरे को मज़ा नहीं आता। क्वालिटी और कवरेज ही मेरी पहचान है, चाहे मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। और कितने सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं सर डेमो दो, डेमो दो, डेमो दो, अरे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल जाके देखो। YouTube चैनल में मेरे 1,44,000 कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे आई थिंक, एंड 750 के पास वीडियोस होंगे। बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है, 750 वीडियोस ही है, ठीक है। उनमें मैंने कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा अपना जिसका मैंने लेक्चर, डेमो, मैराथन या रिवीजन नहीं डाला हो, भर भर के। यू जस्ट वॉच इट, एक मौका देके देखो, तुमको पता चलेगा क्वालिटी क्या होती है। बस हम लोग रिसर्च नहीं करना चाहते, हम सर्च नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते। किसी ने बोल दिया, किसी ने सुना दिया, किसी ने कुछ हियरसे बेसिस पे अपने फैसले ले लेते हैं। अरे हल्का सा तो रिसर्च करके देखो। माता पिता आते हैं, वो पूछने लग जाते हैं सर मैंने अपने बच्चे को ना यहाँ पर ट्यूशन कराया है, सही है क्या? अरे वो बच्चे को सोचने दो ना, बच्चे को मेहनत तो करने दो, तुम किसी की राय पे क्यों जा रहे हो? मेरे फ्रेंड ने ये एडवाइस दिया, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बड़ी बहन ने एडवाइस दी, फलाने टीचर ने ये एडवाइस दिया। यू आर इंटेलिजेंट इनफ, तुम 10-12 का बोर्ड देके आए हो, तो तुम कोई एकदम नादान नहीं हो कि कोई तुमको आके मूर्ख बना देगा। यू गो टू द यूट्यूब, नो, हर टीचर जिनका भी आपने नाम सुना है, जिनके बीच आपको कन्फ्यूजन है, यू जस्ट वॉच देयर क्लासेस, तुमको एक सेकंड में क्वालिटी का फर्क समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी कहाँ है, कवरेज कहाँ है, वो तुमको दिखने लग जाएगा। मैं अपने टैक्स के लेक्चर्स के लिए भी कितनी बार बोलता हूँ, एक बार करके देखो कंपेरिजन, यू विल फाइंड जितना मैंने अपने कॉम्पैक्ट मैराथन लेक्चर में बोला है ना, उतना लोग अपने रेगुलर क्लास में भी नहीं बोलते हैं। तुम जिनका भी नाम ले लो, रेगुलर क्लास में भी उतना नहीं पढ़ाते डिटेल में जितना मैंने कॉम्पैक्ट में पढ़ाया, एकदम खोद खोद के। एक सुनने की देर है, सुनते ही समझ में आएगा हाँ कितना जमीन आसमान का क्वालिटी में फ़र्क है। तो इस तरह का एक जो एक्यूजेशन हमेशा लगता है, हाउ कैन यू, हु गेव यू द राइट टू टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स? सी, आज़ाद मुल्क है, संविधान आज़ादी देता है, मैं जो करना चाहूँ, जो पढ़ाना चाहूँ पढ़ाऊँ। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं क्वालिटी पे हमेशा मेरा फोकस रहता है। क्वालिटी को लेके शिकायत है तब आप बोल सकते हो मुझे, पर ऐसा एक्यूजेशन लगाना कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स है वो गलत होगा। सी, आई गेट एक्सट्रीम एन्जॉयमेंट इन द टीचिंग प्रोसेस ओनली, मुझे और कोई भी चीज़ से मज़ा नहीं आता। तो टीचिंग प्रोसेस में जहाँ भी जिस भी सब्जेक्ट से मुझे खुशी मिलेगी वो मैं करूँगा, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। तुम हमेशा कोई भी क्लास देखना, तुमको एहसास होगा कि एकदम पूरा सर ने अपना जान लगाया है, मेहनत किया है। नेग्लिजेंस या आलस वाला तो आरोप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ये जो हाउ कैन आई टीच और हु गेव यू द राइट, येस, बिकॉज मुझे पसंद है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमेशा से मैं पढ़ाते आया हूँ, आज पहली बात नहीं है। लॉ ऑडिट ये तो लाइक 10 साल से चल ही रहा है, लेकिन उससे भी पहले मैंने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ाया था, 2010 की बात है, जब मैं सीए भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। आई बिकेम सीए लेटर ऑन इन 2010, बट बिफोर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इटसेल्फ अलॉन्ग, मतलब मेरा रिजल्ट्स पहले आ चुका था, आई गॉट अ रैंक, देन आई गॉट सम टाइम, आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो ऑन पार्ट टाइम बेसिस, तब मैंने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ाया था। टैक्सेशन आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, इफ यू लुक एट माई इनकम टैक्स लेक्चर्स एंड क्लासेस नो, यू विल सी बपरे एक्सप्लोसिव लेवल पे है। जो चीज़ों पे मैंने तुम्हारा ध्यान खींचा है, जो स्टोरी फॉर्मेट है मेरा टीचिंग का, टैक्स एकदम अंदर घुस जाएगा तुम्हारे।
लॉ में भी, लॉ में तो मेरा रिसर्च देखना, अभी मेरी नई बुक आई थी तो याद है मैंने नया बुक तुम लोगों को रोल करके दिखाया था पूरा, तुम एक बार देखोगे, तुम मेरे किसी भी स्टूडेंट से बात करो जिसने भी मुझसे क्लासेस ली है, वो तुमको बताएगा कि कितना डेप्थ में हम लोग घुसते हैं क्लास के अंदर पढ़ते वक्त। तुम सवाल नहीं पूछते, सवाल मैं बताता हूँ। डाउट्स तुम सपोज 5 पूछोगे, मैं 50 डाउट पहले से मेरे पास तैयार है, मैं उसको क्लास में डिस्कस कर देता हूँ, एंड आई राइट ईच एंड एवरीथिंग, आई डोंट हाइड एनीथिंग। हर चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो मेरे कॉपी नोट्स में, मेरे बुक में, यू विल ऑलवेज फाइंड इट रिटन। आई डोंट वेस्ट टाइम इन क्लास। क्लास में ना कभी भी हंसी मजाक भी अगर होता है तो वो पढ़ाई संबंधित होता है, वरना दाएं बाएं कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं। परफेक्ट क्लासेस, जैसे इंटरमीडिएट में, इंटर में 2-2.25 घंटे की क्लास मेरा मानना है बेस्ट होता है, 3 घंटे का बेस्ट नहीं होता, बिकॉज इंटर में एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट का क्लासेस एंड अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। सो अगर एक क्लास 3 घंटे की होगी तो वो झेल नहीं पाएगा। जैसे छोटे क्लास 11-12 फाउंडेशन में 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं, कोई भी टीचर आप ले लो, तो इंटर में 2.25 घंटा 2.5 घंटा इज डिसेंट, 3 घंटा जाना इज मतलब थोड़ा सा OTT हो गया, वो ओवर द टॉप हो गया, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को डिक्लाइन करेगा, और फिर स्टूडेंट दिन में फिर ज़्यादा क्लासेस भी नहीं कर पाता जब 3 घंटे का होता है। तो इंटर में वी कीप इट लाइक दैट ओनली, कि हाँ ठीक है भाई 2.25-2.5 घंटे का रखो, दैट इज़ ओके। फाइनल के स्टूडेंट्स का रिगरसनेस ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पे 3 घंटे की क्लासेस होती है, तो वो हिसाब से एडजस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हर छोटे बड़े मेरे डिसीजन में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरी किताबों में तुम देखोगे कि तुमको परिश्रम दिखेगा, मेहनत दिखेगा, कि यार दिस पर्सन हैज वर्कड हार्ड ऑन इट, ही डिजर्व्स, जो भी है वो ही डिजर्व्स इट, बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्क है। मतलब हल्के फुल्के में कभी मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं लिया, मतलब 24 आवर्स मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, ट्यूशंस। आई लव टू टीच, उसके अलावा मुझे और कुछ मतलब समझ ही में नहीं आता है। ओके, तो यही मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। इनफैक्ट तुमको भी कभी कोई बोले, हम लोग सुनते हैं ना कि मेरा मन तो इसी एक चीज़ में है, पर प्रेशर में सोसाइटी के, फैमिली के, रिलेटिव्स के, मैंने दूसरा चीज़ कर लिया, तो फिर उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आपको उसी चीज़ में आएगा जो जिसमें आपका मन है, तभी आप उसमें दिल लगा के हार्डवर्क कर पाओगे और आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। टैलेंट केवल कुछ एक एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, वरना आई एम टेलिंग यू 99% इट इज़ योर हार्डवर्क। हार्डवर्क का मतलब है आपको वो काम इतना पसंद है कि उस काम का जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो भी आपको पसंद है, उसका जो बोरिंग पोर्शन है वो भी पसंद है, यू लाइक द होल पैकेज इटसेल्फ। ओके, विद दिस आई लीव यू टुडे, थैंक यू।